ये देखो पीछे से देखो कितना ज़बरदस्त है, चार आदमी बैठ जाएगा इसमें गाड़ी में। ये देखो सामने से अच्छा लग रहा है गाड़ी। हाँ अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जावेद व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग भाई, सब बढ़िया? सुबह का अभी 10:30 बज रहा है, चाय नाश्ता करके रेडी ना हूँ। जमाल भाई साथ में नाश्ता वगैरह कर लिए और गए हैं रूम पर अपनी गाड़ी सफाई करने, और हम भी अभी अपनी गाड़ी सफाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो जैकेट में पहन रखा हूँ, ठंडी आ गई भाई, ठंडी तो आ गई है। ठीक है, कल की वीडियो में भी देखा होगा मेन चैनल पर जैकेट पहन रखा था, तो ठंडी आ चुकी है। रात में तो बहुत ठंडा लगता भाई, अब तो दो कंबल ओढ़ना पड़ रहा है। चलिए थोड़ा हम सफाई कर लेते हैं अपनी गाड़ी को, सुबह सुबह ड्यूटी तो पूरा करना है कि नहीं। हमारे रेहान भाई आ गए। हाँ मुदीर, केवल हाल भाई की भी सेम गाड़ी है, बस मेरी वाइट है और सिल्वर है भाई की। देख रहे हो भाई, सीट ऊंचा करके बैठे हो। जिस दिन भाई, पता है जिस दिन आया था ना रेहान भाई, कफील क्या बोला था, क्या बोला था, इतना छोटा हो ये तो बात में मालूम पड़ता ना भाई, आदमी जब टैलेंट देखता तभी उसको उसकी कदर होती है। हां ये बात तो है, हर कोई उसको छूटा ही लगेगा क्या करेंगे। तो गाड़ी हमारी साफ हो चुकी है एकदम बढ़िया से। ठीक है, गाड़ी वगैरह तो साफ हो चुका है। कई सारे भाई कमेंट किए, जावेद भाई क्या ड्राइवर की नौकरी में सऊदी अरब में एनी टाइम काम रहता ही रहता है? तो भाई ऐसा है कि 100% में से 95% चांसेस रहता है कि कफील अच्छा नहीं रहता है, और कफील अच्छा भी रहता है 5% चांस ये है कि पता नहीं आपका काम अच्छा हो या कोई और काम दे दे आपको, इसके लिए मैंने 5% साइड कर दिया। तब बात करते कफील की, मतलब की बातें। अब जैसे मान लो कि आप यहाँ पर, अभी जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी सुबह में 7 बजे से लगती है। अगर स्कूल खुला रहेगा, स्कूल तो ही बंद है, सुबह के 6:30-7 बजे लगेगी। आपको 6 बजे उठना है, गाड़ी वगैरह सफाई करनी है, स्कूल जाना है, वापस आना है, फिर आपको 9 बजे या 10 बजे बच्चों को लेके आना है, वापस आना है, फिर मैडम कहीं गई तो जाना है आना है। आप ये, कई लोग आपको शायद कमेंट करके मुझे बोले कि जावेद भाई मेरे आसपास के लोगों ने कहा है कि भाई सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। तो भाई इतना तो मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर हैं, मेरे सामने में सुबरू है, मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ उसका घर। तो मेरे सामने में ये सुब्रू भाई का घर है, ये कर्नाटका से है, आप देख सकते हो ये वाला जो घर देख रहे हो, और इधर वाले घर जो, ये इधर जो घर देख रहे हो, ये पेड़ जो देख रहे हो, यहाँ पर जमाल भाई का घर है। इस घर में भाई की ड्यूटी एनी टाइम रहती है, दो दो गाड़ी है, अभी नया गाड़ी आया है तो बोले तो एनी टाइम ड्यूटी रहती है। फिर भी वो सोता है, खाना बनाता है, खुद से खाता है। ठीक है, तो भाई नसीब नसीब की बात है, कफील अच्छा मिल जाए तो जय जयकार है आपकी। मेरा देख लो, मैं तो अपने हिसाब से देखो, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं अभी इस टाइम पे कितने घंटे ड्यूटी करता हूँ। कल मेरी ड्यूटी लगी थी, सिर्फ एक जगह गया, 1 घंटे की ड्यूटी लगी थी भाई, इसके बाद से मैं पूरा दिन शाम रात घर में ही हूँ। अभी सुबह उठा हूँ, 10:30 बजे उठा हूँ सो करके, अभी तक कोई ड्यूटी नहीं है अभी, मगर जाऊँगा, मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे पता है कि मुझे ट्यूशन जाना है। 2 घंटे की ड्यूटी रहेगी, खाना खाओ, आराम करो, फिर मैडम गई तो गई, नहीं तो आराम से बैठो। अगर आपका कफील बुढ़ा होगा तो आपकी ड्यूटी बहुत लगेगी, ये ध्यान रखना। शेवा होगा ना, बुढ़ा होगा, तो आपका कफील आपको बहुत ड्यूटी लगाएगा। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे साहिर भाई की ड्यूटी बहुत लगती है क्योंकि उनके घर में बुढ़ा है उनका कफील, और मेरा कफील थोड़ा जवान है, तो अगर कहीं जाना रहता तो मैडम को उठाया, अपनी गाड़ी से लिया और चल दिया, तो मुझे नहीं बोलेगा। हाँ कहीं जाना रहेगा, कफील कहीं और चला गया, मैडम कहीं और चली गई, तो मैं जाता हूँ। तो रीज़न वाइज ये रहता है, मेन पॉइंट प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपका कफील बुढ़ा होगा तो आपकी ड्यूटी बहुत लगेगी। एग्जाम्पल के लिए ये हाउस ड्राइविंग का मैंने आपको बता दिया, आप और किसी और काम में आते हो तो वहाँ पर भी आपके पास में ये ऑप्शन है, एनी टाइम काम रहेगा। नहीं 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 नहीं, आप कंपनी में आते हो, कफील के पास आते हो, कफील के पास भी 8-10 घंटे की ड्यूटी का टाइम होता है। ठीक है, प्लस कफील के पास में एक बेनिफिट ये होता है, कुछ अच्छा भी होता है कुछ बुरा भी होता है। कंपनी में क्या होता है कि आपको बोनस मिलता है, बहुत सारी चीज़ें फंक्शनाइज मिल जाती है, 1 साल की छुट्टी भी मिल जाती है, जब चाहो आप छुट्टी ले सकते हो अगर कंपनी अच्छा है तो। बट कंपनी में अलग सिस्टम है, कफील के पास अलग सिस्टम होता है। वैसे भी यार 14 मार्च 2021 से सब कुछ बदलने वाला है,
पता नहीं उससे पहले हम इंडिया में रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं। तो आप सभी लोगों से मिल भी लेंगे हम कहीं भी, यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी गए बाइक से राइडिंग करेंगे आगे जा करके। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं जमाल भाई के यहाँ पर आया हूँ। तो हमारे भाईजान देखो रूम से बाहर निकले हैं, क्या बोलना चाहेंगे पब्लिक को? जूता तो आपका सबको पसंद आ गया भाई। भाई जूता है, अच्छा जूता है, आए? बहुत बढ़िया जूता है यार, कंपनी का जूता है। तो जैकेट लेके आएंगे, जाएंगे तो? हाँ, अब कल या परसों में जैकेट लेने चलेंगे, लेके आएंगे, बिल गुड्डे चिपका देंगे। तो बोला कि तू लेके आ और मेरे को दे देना। मैं उसको बोला तो बोलता कि मैं क्या खरीदूं, मेरे को मालूम नहीं है, तू अपना खरीद लेना, बिल मेरे को दे देना। नए लोग आ रहे हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर करें यार, क्योंकि जावेद भाई का चैनल जो जो एक बार देख लेगा वो बार बार देखेगा ही, और देखने के पहले आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। घंटी ही बजा लो, और घंटी ही बजा देना। वाली घंटी नहीं बजाना, तो भाई के रूम पे घंटी लगी वो आके बजा देना। जमाल भाई के रूम से अपने रूम पर आ गए। ये जो आप जैकेट देख रहे हो, अभी तक मैंने बताया नहीं, ये जैकेट मुझे मेरी मैडम ने दिया था, ठीक है? शायद आपको याद होगा पहले मैंने बताया था, ईद से पहले जो ईद गया है तब उन्होंने दिया था, रमज़ान में दिलाया था ये जैकेट, और टी शर्ट भी दिया था, हाफ टी शर्ट जो है देखते होंगे जो कॉलर खड़ा करके पहनता हूँ वो वाला, ये मेरी मैडम ने दिया था मुझे भाई, ब्रांडेड है, कंपनी का है। तो खाना पीना हमारा बना हुआ है, कल रात में हमने बनाया था चिकन, और खाएंगे साथ में रोटी, चावल थोड़ा दो चार दिन इग्नोर करते हैं, चिकन और रोटी खाएंगे। चिकन ऑलरेडी बना हुआ, रात में बनाया था। One hour later. तो टाइम हो चुका है एक बज, देखो 12:59 हो रहा है, एक बज चुका है, लग गई है ड्यूटी। जमाल भाई रूम में खाना खा रहे हैं और मैं आऊँगा तो खाऊंगा, क्योंकि मैडम का आने का टाइम हो गया है, बच्चों लोगों को लेके जाने का टाइम हो गया है। भाइयों आ तो गया हूँ अभी ट्यूशन से, और अभी जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी का। देखो पेट्रोल कहाँ है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना किलोमीटर मैंने चलाया टंकी फुल में। अभी मुझे पता है कि गाड़ी बस लास्ट होने ही वाला है टंकी इसका। वैसे इसका माइलेज बहुत ज़बरदस्त है यार, ये है निसान सेंट्रा, निसान की सेंट्रा है, 2016 मॉडल कार है। बट आपको लगेगा कहीं से भी नहीं लगेगा, इतना मेंटेन है भाई। आज जिस दिन से मेरे हाथों में आए उस दिन से तो फुल मेंटेन भाई, फुल मेंटेन। तो चलो पेट्रोल भरा लेते हैं भाई साहब के पास में, टंकी फुल करा लिया जाए। पेट्रोल स्टार्ट हो चुका है डालना, कैसे है? ₹1.44 91.95 है, ₹1.58 हलाला मतलब पैसा को बोला जाता है। अभी देखते हैं कितना लीटर इसके अंदर आता है पेट्रोल। तो देख सकते हो मीटर आप, देखो मेरा ट्रिप ए है, जब भी मैं पेट्रोल भराता हूँ तो इस ट्रिप को जीरो कर देता हूँ। तो टंकी फुल में 544 किलोमीटर चला है बिना एसी के। ये पेट्रोल शायद मैं 6 दिन के बाद भरवा रहा हूँ। अभी देखो मैं जीरो करूँगा, ट्रिप जीरो करूँगा यहाँ से, ये जीरो किया, ये देखो जीरो हो गया। तो पेट्रोल देखो 62 रियाल का आया है, 43 लीटर आया है यार। इस गाड़ी का माइलेज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया माइलेज है। ठंडी में लगभग 550 किलोमीटर तक ये चलेगा फुल टंकी में, और गर्मी में हाईएस्ट लेवल पे 400 किलोमीटर चल जाता है पूरा फुल टंकी में एसी के साथ, 3 नंबर एसी के साथ चालू करके। आपको पता है कि यहाँ कितनी गर्मी होती है, और अभी तक खैर 26 डिग्री 21 डिग्री दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो माइलेज देख रहे हो, मुझे आप बताना 45 लीटर पेट्रोल में 550 किलोमीटर चलता है तो कितने का माइलेज हुआ, कमेंट करके बताना, ठीक है? तो चलिए अभी हम चलते हैं मकसला कफिल का कपड़ा लाने के लिए। मैं बोलता हूँ ना पेट्रोल लेने का फतूरा ले लेता, ऐसा फतूरा होता है, देखो इस पे लिखा हुआ है, ये फतूरा की जरूरत नहीं है, बट भरोसा होता है, ले लो कोई दिक्कत नहीं, फ्री का मिलता है। मकसला में ले लेते हैं कपड़ा, यहाँ से कपड़ा ले लेते हैं। One hour later. भाई उस टाइम के बाद शाम के टाइम में आया हूँ, इधर आया हूँ मैं रियाद गैलरी में, ये रही मेरी गाड़ी। और आपको छोटी सी कोई गाड़ी दिखाना चाहता हूँ, देखो कितनी खूबसूरत गाड़ी है, इसका नाम क्या है, मिनी चॉपर, देख लो बहुत खूबसूरत है, हाँ अच्छी लग रही है। आप इसको क्या नाम देना चाहोगे? मैं नाम देना चाहूँगा टुनमुनिया। पीछे से दिखाऊँ, पीछे से
ये देखो पीछे से देखो कितना जबरदस्त है। हाँ यार मिनी चॉपर COPER अच्छी लग रही है। ये पेट्रोल टंकी है बहुत बढ़िया यार, चार आदमी बैठ जाएगा इसमें गाड़ी में। ये देखो सामने से अच्छा लग रहा है गाड़ी। हाँ इधर ही घूम रहे हैं भाई, ये लोग हमेशा शॉपिंग करते हैं। वैसे आज है बुधवार और आप वीडियो देखेंगे खमीस को, मतलब कि थर्सडे को देखेंगे। शाम होने वाली है और लास्ट वाला धूप ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो चलो मैडम का कॉल आ चुका है, चलते हैं उनके पॉइंट पे और उनको पिकअप करते हैं और मिलते हैं आपसे घर पे। तो भाई ये रूम में आया, आने के बाद अभी जस्ट उठा हूँ थोड़ा सो करके, मैं कहा चलो आप सबका नाम ले लेता हूँ। तो चलिए आप सबका नाम ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में हम आप सबका नाम लेंगे इंशाल्लाह। तो फटाफट नाम लेते हैं, कान लगा के सुनना शुरू कर दो अपना अपना नाम। पहले बता देता हूँ कि कई लोगों ने कमेंट किया कि जावेद भाई नाम लेने से क्या होता है। तो नाम लेने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, बस आपका प्यार रहता है और आपको बताना रहता है कि आपने कितना अच्छा कमेंट किया नहीं किया, बस यही है। बाकी नाम लेने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, और आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे मुंह से नाम सुनने में, तो क्या इससे बड़ी बात क्या है कि नहीं। चलिए नाम ले, सबसे पहले नाम लेते हैं असरार अहमद, एमडी समीर, संदेश सुरवी, दानिश खान, मोहम्मद आसिफ, राम परवेश, आकाश निषाद, अरमान मलिक, साबिर क्रिएशन, PSR 420, नाम चेंज कर लो बहुत हार्ड बहुत हार्ड, गौरव गुम्बिरा, जमीरुद्दीन, जाहिर आलम, एमडी यूनीद शेख, उमर लश्करी भाई बहुत शुक्रिया यार, आप बहुत अच्छा कमेंट करते हो, ठीक है। रेहान भाई से आप कभी मिलते हैं तो हम आपका नाम बुलवा देंगे इंशाल्लाह। इफ्तिखार खान, नदीम खान, इमरान खान, सलिक राम मौर्या, किंग स्मोकर, असरा जावीद, रुबीना खान बोलती है कि आप अपने कफिल से वाईफाई मांगो वो देगा, वाईफाई दे रखा है बट यूट्यूब पे काम करने के लिए वाईफाई काफी नहीं है, डी लिंक पे लगाएंगे तो भी उतना काफी नहीं है, क्योंकि मेरा जो एक दिन का यूनिट होता है ना GB खर्च करने का, कम से कम 8 से 12 GB का होता है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। हबीब बगावडी, अभी कुमार, ड्राइवर व्लॉग, रूही शेख, कमल कुमार, जमीरुद्दीन, प्रशांत, तालिब अंसारी, मलिक, मुकीम चौधरी, मोहम्मद रियाज, अब्दुल रहीम, मुनीब नदफ, इम्तियाज जमील, सरफराज अली, राजन कुमार, शाहिद आलम, मोहम्मद अरमान शेख, हमारा भी नाम ले लिया करो बिल्कुल भाई, विमल शुक्ला, मासूम त्यागी, सैफ अली, मुल्ला सुफियान, बरकत बरकत, मोहम्मद जफर, MD बिस्मिल्ला अंसारी, शहबाज टिकटॉक स्टार, क्या बात है भाई टिकटॉक स्टार, टिकटॉक बैन है ना इंडिया में, मोहम्मद सलमान, अरबाज खान, वसीम अंसारी, राजा अंसारी, अनीता वर्मा, वेद यादव, मुजीब राइडर, चैतन्य दैया, संदीप प्रजापति, पिंटू राजपत, दिल बेचारा, MD जफूरुल इंसाम, इस्लाम, जय यादव, शिवम सिंह, हर्ष मोहम्मद, MK, अजय पंडित भाई बहुत शुक्रिया, चैतन्य वर्मा, राजू कुमार, वसीम, आदिल मलिक, तैमूर खान, अब्दुल्ला कुरैशी, रिजवान खान, निजामुद्दीन सिद्दीकी, MD समीर, गणेश छावन, सिराज ब्लॉग्स, MD अब्दुल्ला, नीरा सुरेज, अशद अली, आसिफ बाबू, जैद भाई, द फ्यूचर व्लॉग्स, भाई नाम ले लिया शायद आपने पहले वीडियो में नहीं देखा होगा, मैंने आपका नाम लिया है, आसिफ उल कादरी, सादिक MD, फरमान शेख, मोहम्मद अरमान, अशद अली, MD व्लॉग, फिजा शेख, इट्स करीम अंसारी, नाजिम हुसैन, मोहम्मद शादाब, आजम आजम, जमीरुद्दीन, आई होप कि अभी आपका इसमें नाम आ गया होगा, अगर आपका नाम इसमें नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपका नाम जरूर ले लेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो फिलहाल अभी रूम में आराम कर रहे हैं। 3 hours later और अभी टाइम हो रहा है रात का 11:30, तो मैं कहा यहाँ पे वीडियो हम एंड कर देते हैं। तो काम मेरा शाम को ही खत्म हो चुका, उसके ड्यूटी नहीं लगी, कहीं भी नहीं गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मा सलामा, बहुत शुक्रिया आपका।